हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां पर मैं आप सभी को बताऊंगा एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मुझे क्रेडिट कार्ड मिल चुका है एंड इस क्रेडिट कार्ड का फायदा भाई बहुत सारे हैं। जैसे कि 25% कैशबैक मिलेगा एयरटेल रिचार्ज बिल पेमेंट पे एंड और 10% मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और स्विगी वगैरह जोमेटो पे ऑर्डर करने पे, और बाकी सब पे आपको मिलेगा 1% का कैशबैक। कार्ड तो भाई बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है, जैसे कि आप लोग वीडियो के अंदर देख ही सकते हो। मुझे कार्ड जो है डिलीवर्ड हो चुका है, उसका अनबॉक्सिंग भी आप लोग वीडियो का बैकग्राउंड पे देख सकते हो एंड मैं उसके साथ ही साथ बताऊंगा कैसे करके एक कार्ड आपको भी मिलेगा एंड इजीली तरीका बताऊंगा इसको लेने का। कोई भी भाई एयरटेल एप्लीकेशन से आप लोग को अप्लाई करने का भी जरूरत नहीं होगा एंड आप चाहो तो एयरटेल के भाया भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई करने का एक ही तरीका है एयरटेल, एंड और एक तरीका है वो मैं वीडियो का एंड में बताऊंगा। एंड तक वीडियो को देखो मुझे कैसे मिला। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि देख सकते हो एक्सिस एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एंड इसका बेनिफिट सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, उससे और भी बहुत कुछ बेनिफिट है, जैसे कि वेलकम बेनिफिट। जैसे कि देख सकते हो जिधर पे आप लोगों को मिलेगा ₹500 का अमेजन ई गिफ्ट वाउचर फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे, जो कि 30 दिन के अंदर होना चाहिए जब आपका कार्ड आपके पास आ जाएगा। उसके अंदर 30 दिन के अंदर एक ट्रांजेक्शन आपको करना पड़ेगा। तो मिनिमम ट्रांजेक्शन कुछ लिखा हुआ नहीं है इधर पे, प्लीज क्लिक यार। तो इधर पे मिनिमम ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ शायद लिखा हुआ रहेगा। देखो ज्वाइनिंग फी जो है ₹500 आपका OAVR हो जाएगा, मतलब एक ट्रांजेक्शन आप लोगों को करना पड़ेगा। तो मिनिमम ट्रांजेक्शन तो इधर मुझे कहीं पर भी दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करना, 100 से ऊपर का ट्रांजेक्शन कर लेना, क्योंकि भाई 100 से ऊपर शायद कर रहा ही होगा। तो इधर पे लिखा हुआ नहीं है। तो चलो और बेनिफिट का बात मैं करता हूँ। जिधर पे आप लोगों को मिलेगा 25% कैशबैक एयरटेल मोबाइल ब्रॉडबैंड वाईफाई डीटीएच बिल पेमेंट, ठीक है। तो मतलब एयरटेल का जो कुछ भी प्रोडक्ट आप लोग यूज कर सकते हो, मान लो आपने एयरटेल का सिम यूज करते हो, उधर पे रिचार्ज करेंगे तो 25% कैशबैक मिलेगा। भाई बहुत बढ़िया होता है 25%, ठीक है। एंड ब्रॉडबैंड रिचार्ज हो गया, लेकिन वो ओनली एयरटेल का होना होगा, जियो का ब्रॉडबैंड रिचार्ज करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, ये समझ लो। तो बस यही है। एंड ऊपर से कॉम्प्लीमेंटरी लॉन्च एक्सेस भी आप लोग को मिलेगा, 4 बार मिलेगा, ठीक है, 4 बार पूरा ईयर में आपको मिलेगा, यानी क्वार्टरली 1 बार करके, ठीक है। ये हो गया इसका फीचर्स एंड बेनिफिट। तो चलो चेक फॉर एलिजिबिलिटी देख लेता हूँ। एंड ये एलिजिबिलिटी के अंदर आप लोगों को 18 से 70 साल के अंदर होना चाहिए एंड मेक श्योर इंडियन रेसिडेंट तो होना ही चाहिए। एंड ऊपर से जो बेसिक डॉक्यूमेंट लगता है, पैन कार्ड एंड कलर फोटोग्राफी, पासपोर्ट वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, आधार कार्ड, तो ये कुछ चाहिए। लेकिन आपके पास एक्सिस बैंक का और अनदर क्रेडिट कार्ड है तो ये सब कुछ का जरूरत नहीं होगा। सिंपली आप लोग कार्ड को अपग्रेड करके ले सकते हो, जैसा कि मैंने लिया। मैं सबसे पहले ट्रिक बता देता हूँ मैंने कैसे लिया। मैंने लिया ऐसे, मैंने सिंपली कस्टमर केयर को कॉल लगाया। कॉल लगा के मैंने बोला, सर मेरे पास ऐसा ऐसा कुछ एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस बैंक का जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है वो भी है मेरे पास। तो उन्होंने क्या किया, उसके बिहाफ पे मुझे अपग्रेड कर दिया, मतलब वो कार्ड भी मेरा रह गया एंड ये नया कार्ड भी मुझे एक मिल चुका है। मुझे कहीं पर भी एप्लीकेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा, ऑन कॉल मुझे जो है मिल चुका है एक कार्ड एक बार ही में। तो बस यही है। तो चेक फॉर एलिजिबिलिटी के अंदर फिर भी देख लेना क्या क्या चाहिए एंड मेक श्योर आपके पास एक्सिस बैंक अकाउंट रहेगा तो ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको नहीं मांगेगा, सिंपली अकाउंट से ही आप लोग वो लोग दे देगा। चलो अभी बात करता हूँ फीस एंड चार्ज के बारे में, जो कि है ज्वाइनिंग फी ₹500, जो कि ऑयब आप हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ऑयब कैसे होगा, जैसे कि ₹500 आपको मिलेगा अमेजन गिफ्ट वाउचर, तो उस पे आपका ये ऑयब हो जाएगा। लेकिन ₹90 जो GST कटता है वो आपका ऑयब नहीं होगा, GST आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपको चार्ज किया जाएगा ₹500, लेकिन आप मान लो 2 लाख से ऊपर इस कार्ड से स्पेंड कर लेते हो तब जाके ये जो फी है मतलब ₹500 वो भी ऑयब हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी सेम बात है, ₹90 जो GST कटता है वो ऑयब नहीं होता है। तो चलो ये बस आप लोग देख लो। उसके बाद कार्ड रिप्लेसमेंट फी, जैसे कि हर कार्ड पे ₹100 होता है एंड एड ऑन कार्ड भी रिप्लेस करेंगे तो ₹100 होता है एंड कैश पेमेंट फी ₹100, ये सब कुछ आप लोगों को देखने का जरूरत होता है। बहुत आप लोग इस कार्ड के सेक्शन के अंदर जाके देख लेना, ये देखने का उतना जरूरत नहीं होता है। एंड लेट पेमेंट तो आप लोगों को चार्ज भाई देना ही पड़ेगा। देखो नील है 300 रुपीज से नीचे होगा तो आपको कोई देना नहीं होगा एंड ऐसा ऐसा कुछ है। तो ये सब कुछ आप लोग देख लेना, ये बेनिफिट के अंदर, फीस एंड चार्ज के अंदर बहुत सारा चार्ट है।
एंड सबसे जो बेनिफिट चार्ट है वो है वैल्यू चार्ट, वो मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। एक सेकेंड, तो देख लो वैल्यू चार्ट। ये देखो वैल्यू चार्ट के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा सारी पूरा एक साल के अंदर वो मैं बता देता हूँ। देखो जैसे कि आपको एक्टिवेशन बेनिफिट 500 रुपीज मिलेगा, अमेजन गिफ्ट वाउचर वो आपको 500 रुपीज होगा। उसके बाद एयरटेल रिचार्ज एंड बिल पेमेंट करेंगे तो 25% मिलेगा, लेकिन वो 3600 रुपीज ही आपको मिलेगा पर ईयर, ठीक है। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो महीने में क्या हुआ 300 रुपीज। तो ये एक अपर लिमिट है, ठीक है, मतलब अनलिमिटेड कैशबैक आप लोग नहीं कमा सकते। 300 रुपीज मंथली लिमिट है, यानी ईयरली आप लोग 14,000 का बिल पेमेंट करेंगे तो आपका 3600 रुपीज बच जाएगा। एंड नॉन टेलीकॉम स्पेंड भैया एयरटेल थैंक्स ऐप 10%, जैसे कि हो गया वाटर बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसा कुछ आप लोगों को पे करने के लिए 10% मिलेगा। एंड ये भी महीने में 300 का लिमिट है, ठीक है, ये सब कुछ आप लोग जान के रखो। एंड ये आप लोगों को करना पड़ेगा एयरटेल थैंक्स ऐप से, तभी जाके मिलेगा, ये भी माइंड पे रखना। ऊपर से स्विगी से कुछ परचेस करेंगे, बिग बास्केट, ओला, जोमेटो, ये सब पे आप लोगों को मिलेगा 10% करके कैशबैक। एंड इस पे भी देखो 1500 का लिमिट लगा हुआ है, ठीक है, तो 1500 को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना मंथली लिमिट, आप लोग देख लेना, ठीक है। ऊपर से फ्यूल सरचार्ज OIBR मिलेगा 1%, एंड इसका भी लिमिट है 200 तक का। एंड एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस जैसे कि मैंने बता दिया आपको 4000 तक का, मतलब 4 बार मिलेगा, 1000 करके। तो टोटल आपको जो इस कार्ड से बेनिफिट मिलने वाला है साल में 18,000, ठीक है। तो इसको तो 18,000 तो नहीं होगा, किसी का पॉसिबल नहीं है, ये दो सेक्शन तो सब बेनिफिट उठाएगा बहुत मस्त तरीके से, मतलब 3-6,000, तो 7,200 के आसपास तो आप लोग इस कार्ड से भाई मेक श्योर इसका फायदा उठा ही सकते हो। एंड आप लोग एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं तो ये भी बेनिफिट आप लोग उठा सकते हो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, एक कार्ड का मैंने बेनिफिट सब कुछ सारी आप लोगों को बता दिया। एंड लास्ट स्टेप जो इसका बच गया वो है हाउ टू अप्लाई, जो कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया। तो इसका अप्लाई का प्रोसेस ये लोग बता रहा है, ओनली अप्लाई दिस कार्ड वाया एयरटेल थैंक्स ऐप, मतलब एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू ही इस कार्ड को आप लोग मंगा सकते हो। लेकिन भाई आपके पास ऑलरेडी एक्सिस बैंक का कोई कार्ड है तो आपको एयरटेल थैंक्स से अप्लाई करने का भाई जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि सिंपली जाओ कस्टमर केयर को कॉल करो एंड बोलो मुझे कार्ड अपग्रेड करना है, तो जैसे बोल देंगे ना आपका इंस्टेंट वो लोग कार्ड अपग्रेड कर देगा। तो बस यही सिंपल सा ट्रिक है आप लोग के कार्ड लेने के लिए, वरना आपके पास कोई एक्सिस बैंक का कार्ड नहीं है तो एक्सिस बैंक एयरटेल ऐप के थ्रू आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मैंने कार्ड के बारे में सारी कुछ जानकारी दे दिया, चार्जेस के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, एंड कितना बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा सब कुछ बता दिया। वीडियो आप लोगों को मेक श्योर पसंद तो आएगा ही, पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड साथ ही साथ सारी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों चलिए फिर मिलूंगा अगले और कोई न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।